एवरी वन टूडे वी स्टार्ट दैक्चर नंबर फाइव ऑफ टिग्नोमेट्री आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टिग्नोमेटिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसकी बात चलेगी टिग्नोमेटिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने सीखा था टिग्नोमेटिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स उससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सीखे थे वट इज टिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो नाउ वी हैव टू वर्क फॉर आर कंसेप्ट नोन एज टिग्नोमेट्रिक रेशोस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि हम लोगों को अब बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे डील करना है वी हैव टू वर्क फॉर अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिस इज द पॉइंट टू बी रिमेंबर है एज वी ऑल नो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स जिनके एंगल का सम कितने डिग्री होता है 90 डिग्री तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हम सब कहेंगे टू एंगल्स आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ दे सम इज नाइन्टी डिग्री अगर हम कभी भी हमारे दो एंगल का सम नाइन्टी डिग्री आ रहा है तो हम उन दो एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं लेट कंसिडर करते हैं लेट कंसिडर आ ट्राइंगल ए बी सी विद राइट एंगल्ड एट बी हम एक राइट एंगल ट्राइंगल को कंसिडर कर रहे हैं जिस पर राइट एंगल हमारा बी पे है ये तो आपको स्टार्टिंग से ही पता है कि टेंथ स्टैंडर्ड में जब तक आप टिग्नोमेट्री पढ़ोगे आप हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे ही डील करोगे वर्क करोगे तो हेयर वी कंसिडर अ ट्राइंगल लेट कंसिडर अ ट्राइंगल ए बी सी विद राइट एंगल एट बी दे प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज वन एट्टी एंड दिस इज़ दन ऑफ द रिजल्ट ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टीज होप सो आपको भी बहुत ईजीली याद होगी यह बात कि ट्राइंगल के अंदर उसके तीनों एंगल का सम वन एट्टी होता है और एज हेयर वी नो डैट एंगल बी इज नाइन्टी डिग्री दे आर फो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस नाइन्टी इक्वल टू वन एट्टी तो एंगल सी प्लस एंगल ए का सम नाइन्टी डिग्री आ गया

कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोल सकते हैं वाई वी आर कॉलिंग दैम एज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्योंकि हमें यहाँ पे ये कन्फर्म हो चुका है कि इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है तो मैंने अभी तक बहुत बेसिक सी बात बताई है आपको कि जब भी कभी हमारे को टिक्नोमेटिक रेशियो को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रीड करना है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या है तो ऐसे कोई भी दो एंगल हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल देते हैं जिनका सम 90 डिग्री का आता है इसके लिए आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कंसिडर कर लेना है जिसमें एंगल बी नाइन्टी डिग्री का है वेन वी सिंप्लीफाई हेयर वी ऑप्टेन डैट जो सी और ए का सम आ रहा है वो नाइन्टी आ रहा है इसलिए ए और सी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है वी कैन से डैट इसलिए हम यह कह सकते हैं देयरफॉर वी कैन से डैट एंगल ए इक्वल टू नाइन्टी माइनस सी और एंगल सी इक्वल टू नाइन्टी माइनस ए इसलिए एक एंगल दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो उन दोनों का रिजल्ट या तो नाइन्टी माइनस सी होगा या नाइन्टी माइनस ए होगा नाउ वी मूव टू आर टिग्नोमेट्रिक रेशियोज नाउ जो हैडिंग है हमारे टॉपिक की टिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री टिग्नोमेटिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सबसे पहले साइन नाइंटी माइनस ए कैन बी रिटर्न एज कोस ए और कोस ए कैन बी रिटर्न एज साइन नाइन्टी माइनस ए इट मीन्स बेटा हम इस फॉर्मुले को दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं हम साइन 90 माइनस ए को कोस ए लिख सकते हैं और कोस ए को साइन 90 माइनस ए लिख सकते हैं दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला कोस 90 माइनस ए विल बी रिटर्न एज साइन ए और साइन ए कैन बी रिटर्न एज कोस 90 माइनस ए तो होप्सो सेकेंड हाफ आप लिख लेना खुद फिर ऐसे बेटा टेन नाइन्टी माइनस ए ऑल्सो बी प्लान एज कोट ए एंड कोट नाइन्टी माइनस ए कैन बी रिटर्न एज टेन एंड दे वाइज वर्सा रूल विल बी रिटर्न बाई योर सेल्फ आप लिखते रहना एक ही बात चल रही है वो तो कोस कोसेक नाइंटी माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए सेक नाइंटी माइनस ए इज इक्वल टू कोसेक ए तो दीज आर दिक्स न्यू फॉर्मलेस इन अवर लिस्ट वेयर वी हैव टू कंसिडर आर न्यू सिक्स रिजल्ट ऑफ द टिक्नोमेटिक रेशोज बेस्ड ऑन दी कंसेप्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अब आप कहोगे ये याद हमें करने हैं हम ये आइडिया लगाना है कि कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है और कुछ भी टफ नहीं है आप नेमिंग पर ध्यान दो साइन ए जिसको हमने बोला था साइन ऑफ एंगल ए फिर बात आई कोसाइन ए कोस ए जिसे हमने बोला था को साइन ऑफ एंगल ए अब बस इतनी सी बात आपको क्लियर करनी है कि साइन का जो नाम है वो साइन ऑफ ए है तो कोस का जो नाम है कोसाइन ऑफ ए है एंड वाइट इज को को मीन्स ये इसका साइन का कॉम्प्लीमेंट्री है ऐसे देखो टेन ए को हम बोलते थे फुल फॉर्म में टेंजेंट ऑफ एंगल ए रेफरेंस एंगल ए है तो कोट ए हम क्या बोलते हैं यहाँ पे को टेंजेंट ऑफ एंगल ए अब आपको इस नाम की इंपॉर्टेंस क्लियर हो रही होगी कि ये जो वर्ड को लग गया है दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए साइन और कोस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं क्योंकि साइन और कोस के वर्ड में ही को साइन लगा हुआ है मीन्स उसमें को मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लिखा हुआ है टेन और कोट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है क्योंकि टेन का मतलब टेंजेंट है तो कोट का मतलब को टेंजेंट है को मीन्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री दिस इज द वे टू रिमेंबर द रूल्स ऐसी sec A की फुल फॉर्म थी सीकेंट ऑफ एंगल ए अगर एंगल ये रेफरेंस एंगल है तो कोसैक ए की फुल फॉर्म थी को सीकेंट ऑफ एंगल ए तो अब आपको एक इम्पॉर्टेंस पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गई है कि साइन और कोस कॉम्प्लीमेंट्री है टेन और कोट कॉम्प्लीमेंट्री है सेकेंड कोस कॉम्प्लीमेंट्री है एंड एज अ रिजल्ट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री वी हैव टू जस्ट कन्वर्ट द रिजल्ट नाइन्टी माइनस ए एस कोस ए कोस नाइन्टी माइनस ए एस साइन ए टेन नाइन्टी माइनस ए एस कोटे के कॉड नाइन्टी माइने से इज टेन है कॉसेक नाइन्टी माइने से इज सेक है और सेक नाइन्टी माइने से इज कॉसेक है तो ये छह फॉर्मले अब आपके लिए छह फॉर्मले नहीं रहे दिस इज जस्ट अ थ्री फॉर्मुलेज और अगर आप बात फॉर्मले की ना करके लॉजिक के करें तो अब हमारे लिए फॉर्मला याद करना बहुत ईजी हो गया है साइन और कोसाइन आर दी कॉम्प्लीमेंट्री पे बिकॉज ऑफ द वर्ड को फुल फॉर्म याद कर लो अपने आप कॉम्प्लीमेंट्री याद आएगा टेंजेंट और को टेंजेंट सीकेंड और को सिकेंड ना द पॉइंट इज ये तो याद हो जाएगा रट हम नाउ द पॉइंट इज वाई वाई दिस साइन नाइन्टी माइनस ए इस कोस है या वाई इज कॉस नाइन्टी माइनस एज साइन है तो मैं अब आपके साथ उस बात को भी डिस्कस करता हूँ पहले आप आराम से इतना सोच लो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं उसके को टेंजेंट्स मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के टी रेशोस कैसे लिखी जाती है तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने कंक्लूड किया कि अगर कोई भी वैल्यू ऑफ ए जीरो से नाइन्टी डिग्री के बीच में रहती है तो वो इस पर्टिकुलर रिलेशन को फॉलो करते हैं दिस इज द बेसिक फॉर्म यू नीड टू रिमेंबर एंड यूज़ वेन एवर बी रिक्वायर्ड फॉर अवर क्वेश्चन साइन नाइन्टी माइनस ए कोस ए कोस नाइन्टी माइनस ए को साइन ए टेन नाइन्टी माइनस ए कोट है कॉट को टेन कॉसेक को सेक और सेक को कॉसेक से से लिख सकते हैं सिंस दे ओल आर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर अब मैं इसमें से आपको एक आधा फॉर्मूला वेरीफाई करना सिखा देता हूँ जिससे कि चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी सिंपल और ईजी हो जाएगी सपोज करो ये ए बी सी है और एंगल बी हमारे पास 90 है तो सिंस वी नो डैट ए प्लस बी प्लस सी वन होगा अभी डिस्कस किया था हमने तो ए प्लस नाइन्टी प्लस सी वन होगा एज अ रिजल्ट ए प्लस सी नाइन्टी होगा एज अ रिजल्ट सी की वैल्यू 90 माइनस ए होगी बिकॉज सी एंड ए बोथ आर कंसिडर एज कॉम्प्लीमेंट्री नाउ टेक दिस ट्राइंगल ए बी सी विद रेफरेंस एंगल एस ए एंड ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइ नेम तो वैन यू थिंक अबाउट दिस इट इज़ पपेंडिकुलर दिस इज हाईपोड न्यूज एंड दिस इज इट्स बेस तो वैन यू गो फॉर साइ नेम इट इज पपेंडिकुलर अपॉन हाईपोर्ड न्यूज तो वी आर गेटिंग बी सी अपॉन ए सी आर यू गेटिंग इट विर मैंने कहा को से निकालते हैं वो होगा बेस अपॉन हाईपोर्ड न्यूज ए बी अपॉन ए सी फिर मैं आपके लिए टेने निकाल लेता हूँ और टेनए की वैल्यू आएगी पपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि बी सी अपॉन ए बी फिर मैं आपके लिए कॉटे निकाल लेता हूँ वो आ जाएगा या कॉसे के निकाल लो अगर पैटर्न में जा रहे हो कॉसे के निकाल लेता हूँ वो आ जाएगा हाईपोट न्यूज अपॉन साइन आर रेसीप्रोकल बेस हमने डिस्कस किया था कि कॉस एंड साइन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर फिर सेकेंड निकाल लेंगे वो आ जाएगा ए सी अपॉन ए बी जस्ट बिकॉज ऑफ हाईपोड अपॉन बेस एंड देन कोटे निकाल देंगे बेस अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो इस तरह से बेटा मुझे मिल गई मेरी सिक्स टिग्नोमेटिक रेशियोज इन दी कनेक्शन ऑफ साइनेक कोसे टेनेक कोसे के सेकेंड कोटे अब मैं इस ट्राइंगल को फिर से रीकंस्ट्रक्ट कर ले दूँ लेकिन इस बार जो मैंने रेफरेंस एंगल लेना है एंगल ऑफ रेफरेंस जिसे हम बोलते हैं उसे सी बोलते हैं सी लिया है तो ये परपेंडिकुलर हो चुका है ये बेस आ गया है और ये हाईपोट तो हमेशा फिक्स ही रहता है अब मैं आपसे कहता हूं प्लीज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस सी तो कॉस सी होगा बेस अपॉन हाईपोट न्यूज बेस अपॉन हाई न्यूज दिस इज कॉस सी और यू नॉट आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी तो सी की वैल्यू है 90 माइनस ए इज बी सी अपॉन ए सी तो दिस इज द वैल्यू यू नीड टू रिमेंबर वेरी केयरफुली कि अगर मुझे कॉस सी निकालना है तो आई एम प्लानिंग टू फाइंड आउट बी सी अप ए सी मैंने बी सी अपन ए सी निकाला है वहां से और वो जो बी सी अप ए सी क्यों निकला बी सी अपन ए सी बेस अपॉन हाईपोर्ड न्यूज एंड वी देन रिप्लेस द वैल्यू ऑफ सी एस नाइनटी माइनस ए फिर अगर आप यहां से लॉजिक सोचोगे तो वो यू ऑब्जर्व डैट कि ये जो टर्म है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गई है कैसे आ गई देखो कॉज साइन नाइनटी माइनस साइन ए इज बी सी अपॉन ए सी कोस नाइनटी माइनस ए इज बी सी अपॉन ए सी इन शॉर्ट दिस इज इक्वल टू दिस यही तो मैंने यहाँ लिखा है कोस नाइन्टी माइनस ए इज साइन ए तो आ गया फॉर्मूला तो फॉर्मूला तो डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है अब मैं बात कर रहा हूँ कोस इज इधर से साइन सी की अगर मैं यहाँ से साइन सी निकाल रहा हूँ दैट इज पडिकुलर अपॉन हाईपोर्ट न्यूज ए बी अपॉन ए सी एंड विच कैन ऑल्सो भी रिटर्न है साइन नाइन्टी माइनस ए विच इज ए बी अपॉन ए सी तो इन द एंड वी अगेन कंक्लूड दैट कि ये रिजल्ट और ये रिजल्ट इक्वल आ गया क्योंकि देख लो कॉस ए भी ए बी अपॉन ए सी है साइन सी बी ए बी अपॉन ए सी है इसलिए कोस ए साइन सी के इक्वल है लेकिन सी क्या है नाइन्टी माइनस ए है तो इन शॉर्ट वी आर सेइंग दैट कोस ए इज इक्वल टू साइन नाइन्टी माइनस है तो देख लो कॉस ए इज इक्वल टू साइन नाइन्टी माइनस ए तो लाइक इन दिस मैनर हम हर फॉर्मूले को इसी तरह से वेरीफाई कर सकते हैं और प्रूफ कर सकते हैं अब जैसे यहाँ टेन है तो यहाँ पे मैंने निकालना है कोर्ट सी कोट सी होता है बेस अपॉन हाईपोर्टन्यूज सॉरी परपेंडिकुलर तो ये देखो फिर से दोनों इक्वल आ गए और मैं इसे लिख सकता हूँ कोट 90 माइनस ए विच इज बी सी अपॉन ए ए बी इन दी एंड वी आर कंक्लूड अ वेरी सेम आंसर कि ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल है इसी तरह से मैं आया सेक पे सेक कोसे के तो सेक सी ले लेंगे सेक विथ एंगल सी के लिए चलेंगे जब हम तो वो होगा बेस हाईपोर्ट अपॉन बेस ए सी अपॉन बी सी और जब हम यहाँ से ए सी अपॉन बी सी को सोचेंगे तो इट इज़ सेक ऑफ नाइन्टी माइनस ए जो एग्जैक्टली सेम वैल्यू देगा तो एज अ वेरी क्लियर डैट कि जो भी कुछ हम लोग यहाँ पे प्लान कर रहे हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम चल रहे हैं एंड दिस इंडिकेट डैट कि हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रूविंग इसी बेसिक कंसेप्ट से होती चली जाती है तो ये दोनों भी इक्वल हो गए तो आप बहुत आराम से और ध्यान से चीज़ों को कंपेयर करोगे रेशियोज़ को कंपेयर करोगे यू विल एनालाइज डेट यू विल फाइंड डैट कि दे आर नोमरिकली इक्वल टू ईच अदर अब यहाँ पे टेन है तो इधर टेन सी निकालते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी विच इज अगेन इक्वल टू दिस मीन्स टेन नाइन्टी माइनस ए जो है वो भी हमारा ए बी अपॉन ए सी है ए बी अपॉन बी सी है और कोट ए बी हमारा ए बी अपॉन बी सी इसलिए ये इसके इक्वल है तो डैट इज़ वाई वी नीड टू रिमेंबर दी सिक्स रूल्स ये जो छः रूल है उन छः रूल की ये बेसिक वेरिफिकेशन है थोड़ी प्लानिंग जरूर की है मैंने कि पहले मैंने साइन के सभी रेशियोज निकाल ली फिर मैंने एंगल सी को रेफरेंस दे के रेशियो निकाल ली और मुझे दिख रहा था कि जो कोस साइन ए है वो कोस सी के इक्वल है लेकिन सी खुद 90 माइनस ए के इक्वल है बी अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसलिए साइन ए इक्वल टू कोस

अपने क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन के लिए सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि क्या इन दोनों एंगल का सम 90 आ रहा है इट मीन्स क्या ये दोनों गिवन रेशोज दोनों गिवन एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है इफ दे आर इन अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स इन दोनों का सम अगर नाइन्टी है या ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है देन वी कैन अप्लाई वन वन फॉर्मूला टू वन ऑफ द पार्ट वी अप्लाई अ फॉर्मुला इन अ वन ऑफ द पार्ट एंड वी गेट द आंसर लाइक इन दिस वे यहाँ पे साइन 18 डिग्री और साइन 72 डिग्री है बोथ आर हैविंग अ सम एज 90 मीन्स बोथ ऑफ देम आर कॉम्प्लीमेंट्री तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा मैंने लिख दिया साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए इट मीन्स मैं साइन 18 डिग्री को कॉस 90 माइनस एटीन डिग्री लिख सकता हूँ मैं फॉर्मूले को आइदर ऑफ वे से यूज कर सकता हूँ साइन ए इज इक्वल टू कॉस नाइन्टी माइनस ए यानी कि साइन एटीन ए की जगह क्या आ रहा है एटीन डिग्री इज इक्वल टू कॉस नाइन्टी माइनस एटीन तो साइन नाइन एटीन डिग्री इक्वल टू कॉस सेवेंटी टू डिग्री तो दिस इज द कंक्लूजन वी गेट फ्रॉम दिवन क्वेश्चन मैंने इसमें ये कंक्लूजन अप्लाई कर लिया देयर फोर जो डिनोमिनेटर है उसको तो हमने चेंज ही नहीं किया दैट इज कॉस 72 एंड इन न्यूमरेटर वी चेंज आवर वैल्यू एज कॉस 72 नाउ दे आर आंसर वी गेट फ्रॉम इट इज वन ओनली तो होप सो इट इज अ वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन हेयर हेयर वी हैव टू कंसिडर दैट की आउट ऑफ टू गिवन एंगल वी नीड टू चेंज एनी वन ऑफ दैम सो दैट कि हम लोगों के पास साइन ए बन जाएगा कोज नाइनटी माइनस ए साइन 18 बन जाएगा कोज 90 माइनस एटीन देखो अगर एंगल सेम रखोगे तो टी रेशो बदल जाती है टिक्नोमेटिक रेशो बदल जाती है और अगर रेशो चेंज करोगे तो वो आ जाएगा मैं दूसरा मेथड भी सिखा रहा हूँ आप चेक कर लेना कौन सा मेथड आपको बेटरली क्लियर हो जाएगा कई बच्चे कहते हैं कि हमने तो ये पढ़ा है साइन नाइन्टी माइनस ए इज़ कॉस ए तो ऑफकोर्स बच्चों ये भी आपने ही पढ़ा है मैंने ही सिखाया था कि हम फॉमले को दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो अगर हम अब ऐसा करना चाहें तो हमें ये पता है साइन एटीन है तो इसे हम साइन 90 माइनस सेवनटी लिख सकते हैं एज दी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 18 डिग्री कैन बी माइनस सेवन साइन 90 माइनस ए इज कॉस कॉस 72 तो बात तब भी वही है अब भी वही है बस फर्क क्या आ गया है इस बार फर्क ये आ गया है कि हमने पहले साइन 18 को लिखा साइन और एटीन लिखा नाइनटी माइनस सेवनटी टू विच इज इक्वल टू कॉस सेवन

हेयर यू कैन ऑब्जर्व दैट कि अगेन वी हैव टू टिग्नैटिक रेशियोज इट इज क्वाइट क्लियर टेन एंड कॉट आर ऑलवेज इन द कॉम्प्लीमेंट्री टर्म्स हमने डिस्कस किया था इवन द सम ऑफ द एंगल्स इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री एज अ रिजल्ट इट इज़ वेरी क्लियर कि वी कैन सिम्प्लीफाई अवर क्वेश्चन विद्प ऑफ दंसेप्ट वी डिस्कस इन दिस लेक्चर ओनली हेयर वी कैन ऑब्जर्व डैट कि ऊपर एक टेन टीटा नीचे कॉट किसी को भी ले लेते हैं तो वी कैन से दैट टेन ए इज कॉट नाइनटी माइनस है मैंने कहा था देर इजर बहुत चॉइसेस देयर ऐसा भी जा सकता है ऐसा भी ऐसे सोचोगे तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है इट्स बेटर टू थिंक लाइक इन दिस मैनर इट मीन्स अगर मैं ए को 28 पुट कर देता हूँ अगर मैंने ए को 28 डिग्री पुट किया तो इट इज कॉट 90 माइनस ट्वेंटी डिग्री यानी कि जो टेन ट्वेंटी डिग्री है वो कॉट सेवेंटी डिग्री के इक्वल हो गया है

अगर हम मेथड टू को अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली मेथड टू तो होगा ही लेकिन उस केस में मुझे कुछ इस तरह से प्लान करना पड़ेगा व्हाट इज़ डैट प्लानिंग फॉर अस प्लीज़ रिमेंबर इट केयरफुली मैं यहाँ पे टेन ट्वेंटी एट कॉपी करूँगा मैं कहूँगा मैं टेन ट्वेंटी एट को नाइन्टी माइनस सेवेंटी टू लिख सकता हूँ क्योंकि ट्वेंटी एट का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नाइन्टी माइनस सेवेंटी टू है और अब टेन नाइन्टी माइनस ए कॉट ए होता है इसी लॉजिक के बेस पे मैं इसे लिख दूंगा कोट सेवेंटी टू इन द एंड कंक्लूजन तो वही रहेगा बट यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ एक चेंज आया है कि इसमें तो सीधा ही मैंने एक कोस ट्वेंटी एट रखा है डायरेक्टली गेट देयर और यहाँ पे मुझे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की कैलकुलेशंस माइंड में करनी पड़ी कि व्हाट इज़ ई अनदर वे टू राइट अ ट्वेंटी डिग्री इन द टर्म्स ऑफ नाइन्टी माइनस सेवेंटी टू तो बट बेटा दोनों ही मैथड आर एक्यूरेट बोथ ऑफ द मैथड्स आर कंसिडर एज क्लियर मैथड आप कोई भी मैथड यूज करिएगा आपको फाइनल आंसर हमेशा सेम मिलेगा न बेटा कंसिडर करेंगे आप सब मेरे साथ पार्ट नंबर थर्ड जिसमें हमारे पास एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है कॉस फोर्टी एट डिग्री माइनस साइन फोर्टी टू डिग्री नो बेटा इट इज कन्फर्म डेट कि इस बार दोनों पार्ट डिवाइड में नहीं आया प्लस माइनस में आया है इसमें से मुझे ये देखना है कि पहले तो साइन और कॉस साइन एंड कॉस आर कॉम्प्लीमेंट्री दिस इज श्योर इन दोनों का सम भी कॉम्प्लीमेंट्री तो वी नीड टू चेंज एनी वन ऑफ देम तो सिंस मैंने लिखा कॉस ए इज इक्वल टू साइन नाइन्टी माइनस ए मैं तो फर्स्ट अप्रोच ही ले रहा हूँ बाकी चॉइस आपकी है इट मीन्स कॉस फोर्टी एट डिग्री कैन बी ऑल्सो प्लेसड एज नाइन्टी माइनस फोर्टी एट डिग्री इट मीन्स स 48 डिग्री क्योंकि हमने प्रॉपर्टी लगा लिया और एक ही जगह पे वैल्यू पुट कर लिया इसने दे दिया साइन 42 डिग्री 42 टू कहां से आया इसके डिफरेंस आ गया हैंस बेटा ये कन्फर्म हो गया कि मैं कोर्स 48 को साइन 72 लिख से माइनस साइन 72 एंड व्हेन यू गिव अ अशन इट इज जीरोन गेटिंग दंसर ऑफ अवर क्वेश्चन इज जीरो जस्ट विद्प ऑफ देश कॉस ए इज इक्वल टू साइन नाइन्टी माइनस है वेन इट इज इक्वल टू देयर आइदर वी यूज लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट द बेसिक रिजल्ट रिमेन द से अब मैं पहुँचा आपके लिए पार्ट फोर्थ पे तो एन सी आर टी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट फोर्थ है ये जिसमें कॉस कॉसेक थर्टी वन और साइन सेक फिफ्टी नाइन है मेरे को एक बार फिर से किसी भी एक एंगल को बदल देना है तो मैं इस पर बात कर लेता हूँ इस बार मेरी च्वाइस है हमारी च्वाइस हम कुछ भी करें तो हम सेक ए को कॉसेक नाइन्टी माइनस ए एज अ कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला याद करके आया आज हमने वेरीफाई करना सीखा है और हेयर ए इज़ फिफ्टी नाइन तो फोर इफ ए इज़ फिफ्टी नाइन डिग्री इट इज़ क्लियर डैट सेक फिफ्टी नाइन डिग्री इज इक्वल टू कॉसेक नाइन्टी माइनस फिफ्टी नाइन डिग्री इट मीन्स सेक फिफ्टी नाइन डिग्री कैन बी इक्वल टू कॉसेक थर्टी वन डिग्री कहीं ना कहीं ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि हम हम सेक्ट फिफ्टी नाइन को कॉसैक्ट थर्टी वन लिखेंगे हैंस या देयर फोर कॉस थर्टी वन माइनस कॉसेक्ट थर्टी वन आ गया रिड्यूस इट योर आंसर मस्ट बी ज़ीरो एज अ रिजल्ट माई डियर स्टूडेंट वी सिंप्लीफाई अवर क्वेश्चन एंड गेट द आंसर ऑफ दिस पार्ट एज वेल एज जीरो तो आप बच्चों ने चेक किया होगा कि फर्स्ट सेकेंड पार्ट के अंदर हमारा न्यूमेरिकल आंसर वन आ रहा था क्योंकि दे आर इजिली डिडेड दे आर और सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट में हमारा आंसर जीरो आ रहा है बिकॉज दे आर सिमिलर दे आर इक्वल हैविंग अ माइनस साइन इन बिटवीन दैन नाउ कंसिडर द क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ अवर एक्सरसाइज एट पॉइंट थ्री विच इज अगेन अ वेरी डिफरेंट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकेंड का जो फर्स्ट पार्ट है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें मुझे टेन फोर्टी एट टेन ट्वेंटी थ्री डिग्री टेन फोर्टी टू और टेन सिक्सटी सेवन डिग्री का मल्टीप्लाई वन प्रूफ करना है सो टू प्रूफ दिस रिज़ल्ट मैंने यहाँ पे पहले एल एच एस ले लिया है टेन फोर्टी एट डिग्री टेन ट्वेंटी थ्री डिग्री टेन फोर्टी टू डिग्री और टेन सिक्सटी सेवन डिग्री मैंने यहाँ पे कंसिडर करा अब क्योंकि मुझे यहाँ पे ये यह बहुत ज़रूरी हो चुका है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को सेलेक्ट करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या पेयर्स को सिलेक्ट करना है तो वी कैन सेलेक्टेड लाइक इन दिस मैनर एंड वॉट इज द कंडीशन वॉट इज डैट बेसिक जिसमें मैंने इसे इस तरह से पेयरिंग की है द कंडीशन एंड पेयरिंग इज वेरी क्लियर कि ये फोर्टी एट फोर्टी टू है वी पुट इन दैम इन इन वन ब्रैकेट ये ट्वेंटी थ्री सिक्सटी सेवन है वी पुट दैम इन अनदर ब्रैकेट तो मैंने फोर्टी एट और फोर्टी टू का एक साथ लिख दिया ट्वेंटी थ्री और सिक्सटी सेवन को एक साथ लिख दिया आर यू गेटिंग द इंफॉर्मेशन ईयर आर यू गेटिंग द टर्म्स क्लियरली कि ये जो दोनों है फोर्टी एट और फोर्टी टू ये दोनों एक साथ आ गए ट्वेंटी थ्री और सिक्सटी सेवन दोनों एक साथ आ गए जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि इन दोनों के एंगल का सम नाइन्टी डिग्री है मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री है एज अ रिजल्ट टेन फोर्टी एट टेन फोर्टी टू टेन ट्वेंटी थ्री टेन सिक्सटी सेवन इज द रिजल्ट वी ऑबेन फ्रॉम दिस पार्ट नाउ वट यू हैव टू डू आफ्टर दिस अभी क्या करना होगा आप अब मुझे आउट ऑफ दीज टू पेयर वी नीड टू कन्वर्ट एनी वन ऑफ देम एंड आउट ऑफ दीज टू पेयर्स वी अगेन नीड टू कन्वर्ट एनी वन ऑफ देम तो वट वी आर डूइंग डूइंगयर वी यूज देश कंसेप्ट हेयर की टेन ए इज कॉट नाइन्टी माइनस ए जस्ट टू मेक द रिजल्ट ईजी मैंने इस तरह से अपने फॉर्मूले को यूज़ करना शुरू किया है टेन ए को कॉट नाइन्टी माइनस ए लिख दिया दिस इज ऑल्सो नोन एज अलाइड एंगल पेयर्स जब आप कभी एलिथ में पढ़ोगे ना एलाइड एंगल्स भी बोलेंगे तो वेन यू नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ टेन फोर्टी एट वी कैन प्लान इट एज कॉड नाइन्टी माइनस फोर्टी एट इट मीन्स टेन फोर्टी एट दिस इम्प्लाइज इक्वल टू कॉड फोर्टी टू तो ये मेरे पास टेन फोर्टी एट और कॉड फोर्टी टू में एक रिलेशन आ गई है सिमिलरली वी ट्राई फॉर डैट वन ऑल्सो सिंस मैं कोई भी एक बदल रहा हूँ टेन सिक्सटी सेवन कैन बी रिटर्न एज कॉड नाइन्टी माइनस सिक्सटी सेवन जस्ट अगेन बाय द हेल्प ऑफ सेम फॉर्मूला बट हियर द वैल्यू ऑफ एंगल ए इज सिक्सटी सेवन तो टेन सिक्सटी सेवन बी रिटर्न एज कोट ट्वेंटी थ्री तो दिस इज द सेकेंड रिजल्ट वी गेट फ्रॉम द क्वेश्चन नाउ बेटा मेरे पास जो रिजल्ट आ गया वो इस तरह से आ गया टेन फोर्टी एट कैन बी रिटर्न एज कॉट फोर्टी टू इट इज कॉट फोर्टी टू टेन फोर्टी टू इन टू टेन ट्वेंटी थ्री कॉट सिक्सटी सेवन मैंने इन पूरे दो पेयर में से किसी एक पेयर को इमिडिएटली चेंज कर लिया था आउट ऑफ दिस पेयर मैंने एक को चेंज किया आउट ऑफ दिस टू पेयर वी चेंज वन ऑफ दैट नाउ वी नो डैट एज वी नो आर रेसिप्रोकल रोकल फॉर्मूला डैट इज कॉट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा याद होगा जब हमने टिग्नोमेटिक रेशियो टेबल बनाया था तो हाँ मैंने कुछ रेसिप्रोकल फॉर्मूले लिखवाए थे और उसमें से वन ऑफ द फॉर्मुला था कॉट थीटा विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन वन डॉ वैसे भी तुम्हें याद होगा कॉट थीटा अगर बेस अपॉन पपेंडिकुलर होता है तो टेन थीटा पपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है इट मीन्स दे आर जस्ट रेसिप्रोकल टू ईच अदर और इसी रेसिप्रोकल रूल को यहाँ लगा देते हैं इट इज वन अपॉन टेन फोर्टी टू इन टू टेन फोर्टी टू इन अवर फर्स्ट पेयर And this is 1023, and this is 1 upon 1023 in our second pair. Reduce it, it is 1. Reduce it, it is also 1. The final answer is 1, which is equal to RHS. Hence, we verified a first proof of our quotient. So recheck the data very carefully again. इन दी क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट फर्स्ट वी हैव थ्री डिफरेंट फोर डिफरेंट टिग्नोमेटिक रेशियोज इन अ मल्टीपल फॉर्म एंड वी नीड टू प्रूव दै द मल्टीप्लाई ऑफ दैट फोर्थ टिग्नोमैटिक रेशियोज गोज टू वन नाउ द पॉइंट इज डैट कि यहाँ पे चार अलग अलग तरह के एंगल वैल्यूज चल रही थी अलग अलग तरह की डिग्रीज चल रही थी मैंने उनमें से उन दो डिग्रीज को एक साथ क्लम्प कर लिया एक साथ लिख लिया जिनके एंगल का सम नाइनटी आ रहा था बेसिकली दे आर अप्रोचिंग टू अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और ऐसी रिमेनिंग दो को भी एक साथ मर्ज कर लिया आफ्टर मर्जिंग दैम आफ्टर ग्रुपिंग दैम मेरे को इसमें से दो एंगल का सम 90 दिख रहा है तो किसी एक को बदल लिया लाइक like इसमें मैंने टेन फोर्टी को बदल लिया और मेरे पास रिजल्ट आ गया टेन फोर्टी एट कैन बी नाउ रिटर्न एज कॉट फोर्टी जो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे ही इन दोनों में से मैंने टेन सिक्सटी को बदल लिया टेन सिक्सटी सेवन कैन बी रिटर्न एज स्कॉट ट्वेंटी थ्री एंड वी कैन मैंशन यर एट इट इज स्कॉट ट्वेंटी थ्री इट इज़ बेटर ट्वेंटी थ्री चेक इट अगेन What we are doing here? 1067 can be written as cot 23. After that, cot की टर्म 1 upon 10 टेन आ गई और इस वाले cot का रिजल्ट भी 1 upon 10 टेन आ गया Just because of that reciprocal formula हमने पढ़ा था कि ये रिलेशन होती है 10 और cot में कि they are just reciprocal of each other. तो कोर्ट को भी वन पॉइंट टेन फोर्टी टू लिख दिया इस कोर्ट को भी वन पॉइंट टेन ट्वेंटी थ्री लिख दिया वेन यू मेक अ रिडक्शन and सिंप्लीफिकेशन वी obtain. रिजल्ट ऑफ अवर फर्स्ट पार्ट तो इस तरह से बेटा फर्स्ट पार्ट हमारे लिए सिंप्लीफाई हो गया ना बेटा मूव टू अ पार्ट नंबर सेकेंड विच इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनिक पार्ट ऑफ अवर एक्सरसाइज जिसमें हमारे को एक डिफरेंट ही इंफॉर्मेशन दे रखी है और वी नीड टू वेरीफाई दिस ऑल्सो हेयर वी कैन ऑब्जर्व डैट कि इस तरह से हमारे को यह वेरीफाई करना है किस 38 कोस थर्टी एट डिग्री कॉस फिफ्टी टू डिग्री माइनस साइन थर्टी एट डिग्री साइन फिफ्टी डिग्री जीरो होना चाहिए नाउ दी व्हाट इज़ द पॉइंट एयर व्हाट वी हैव टू कंसीडर एयर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस क्योंकि अब हमार को एक ऐसा लॉजिक लगाना है जिसे आपको एक पेज पे कई साइड पे ट्रिक की तरह लिख लेना चाहिए एंड वो क्या लॉजिक है वो क्या ट्रिक है यू हैव टू कंसिडर इट वेरी केयरफुली और प्लीज़ बात अच्छी लगे तो लिख लेना वट इज़ दैट इन्फॉर्मेशन कि जब इस तरह से हमारे दो टिग्नोमेटिक फंक्शन चल रहे हैं और हमें कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि वट वी हैव टू डू फॉर आ क्वेश्चन वी हैव अ वन बेसिक इन्फॉर्मेशन ईयर कि इन दोनों का सम 90 है चेक कर लो 38 और 52 90 नाइन्टी मीन्स बहुत ऑफ दीज टू एंगल्स आर बहुत ऑफ दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री आई एम नॉट सेंग कि टिग्नोमेटिक रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री है आई एम जस्ट सेंग कि इनके एंगल का सम 90 है सिमिलरली इन दोनों के एंगल का सम भी 90 है तो हमें क्या करना है जब भी कभी इस तरह के एंगल का सम 90 मिले तो किसी एक एंगल के पीछे पड़ जाओ हाथ धो के तो मैंने यहाँ पे देखा 38 52 है 38 52 है तो मैंने यहाँ पे 52 वाले एंगल को सिलेक्ट कर लिया एज अ टारगेट एंगल और मैं इन दोनों को बदल दूंगा तो मैंने कहा था किसी भी एक एंगल के पीछे पड़ जाओ हाथ धो के और उसको कन्वर्ट कर लो तो मैंने यहाँ उठाया कोस ए जो होता है वो साइन 90 माइनस ए होता है एज अ बेसिक फॉर्मूला इसलिए कोर्स 52 जो आएगा वो साइन 90 माइनस फिफ्टी आ जाएगा जस्ट टू रिप्लेस ए विथ 52 टू इन अवर फॉर्मूला एज अ रिजल्ट कोर्स 52 को मैं साइन 38 बहुत आराम से आप बच्चों के लिए लिख सकता हूँ जो मुझे पहला रिजल्ट आफ्टर यूजिंग दिस फॉर्मूला क्लियर हुआ नाउ आई एम ऑल्सो थिंकिंग अबाउट दैट साइन फिफ्टी सिंस वी ऑल्सो नो डैट साइन ए विल बी रिटर्न एज कॉस नाइन्टी माइनस ए एज अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो हमने आज डिस्कस किया देआर फोर मैं साइन नाइन्टी माइनस फिफ्टी टू को लिख सकता हूँ क्योंकि मैं इसमें भी फिफ्टी टू को ही चेंज करने के मूड में हूँ नाइन्टी माइनस फिफ्टी टू तो साइन फिफ्टी टू इज फाइनली बिकम कोज कितना थर्टी ए तो दिस इज दिस सेकेंड रिजल्ट वी गेट फ्रॉम द क्वेश्चन तो एज अ रिजल्ट माई डियर स्टूडेंट वन बाय वन वी नीड टू चेंज द रिजल्ट ऑफ अवर क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ सेम टिकोमेटिक रेशियो मैंने सभी एंगल्स जो 52 वाले थे उन्हें भी बदल लिया और वो दोनों के दोनों सेम 38 38 में कन्वर्ट हो गए तो प्लीज़ इस बात को मैंने कहा था आप लिख लेना अपने लिए कि अगर आपके पास इस तरह से दो एंगल के अलग अलग वैल्यूज आ जाए एक की जगह दो प्लेस पे प्लस या माइनस में तो व्हाट यू नीड टू डू देयर किसी एक एंगल को सिलेक्ट करो जिसे आप दोनों ही पार्ट में चेंज करोगे या तो आप दोनों में 38 को चेंज कर लेना ये 52 में बदल जाएंगे या दोनों में 52 को चेंज कर लेना वो 38 में बदल चुके हैं जब मैं इसके एल में वर्क करने जा रहा हूं तो नाउ बेटा वी कैन से डैट कॉस थर्टी एट एंड वट यू राइट इन द प्लेस ऑफ कॉस फिफ्टी टू साइन माइनस It is sin 38, and what we can write in the place of sine 52, it is cos 38. So ultimately, beta after changing that formulas, after applying that complementary angle pairs, we obtain this answer. Now, what is the importance in it? Do it is cos 38, sin 38. It is sine 38, cos 38. Means it is cos 38, sine 38. और मल्टीप्लाई में तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कॉस्ट थर्टी एट साइन थर्टी एट कोई फर्क नहीं पड़ रहा है पहले ही आप काट सकते थे वी सिंपली कैंसिल आउट आंसर इज जीरो विच इज़ इक्वल टू आर एच एस हैज वी प्रूव द पार्ट नंबर सेकेंड ऑफ अवर क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एनसीआर टी एक्सरसाइज एट पॉइंट थ्री तो आप लोगों ने नोट किया होगा इन पार्ट नंबर सेकेंड वी हैव टू डिस्कस वन बेसिक कंसेप्ट हेयर कि जब भी कभी इस तरह से हमारे को दो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स का रिजल्ट मिल रहा है विथ मल्टीप्लाई एंड एडिशन एंड सप्लेक्शन वी हैव टू कंसिडर डैट कि वी नीड टू चेंज एनी वन एंगल टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हर पार्ट के एक ही एंगल को हो ऐसा ना हो कि यहाँ आप फिफ्टी टू को बदल दो यहाँ आप थर्टी एट को बदल दो तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे दोनों में या तो फिफ्टी टू बदलोगे दोनों में या तो थर्टी एट बदलोगे फिर उसके बाद उनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लगाओगे जैसे कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला है कोस का और ये साइन वाला कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मुला है जैसे ही मैंने इन्हें अप्लाई किया इनके रिस्पेक्टिव रिजल्ट जनरेट हो गए उसे अपने फंक्शन में सब्सिट्यूट किया सिम्प्लीफाई कर लिया वी ऑप्टेन द आंसर विच इज इक्वल टू इट्स rhs एंड हेंस वी वेरीफाईड दैट कि द मल्टीप्लाई ऑफ दीस टू विद टू वेन मेक अ डिफरेंस गिव यू अच्छा कंसिडर करते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ योर एक्सरसाइज एट जिसमें मेरे पास एक छोटा सा और बेसिक सा इंफॉर्मेशन है कि टेन टू ए की वैल्यू कॉट ए माइनस एटीन के इक्वल है और मुझे प्रूफ करना है कि जो 2A है वो एक एक्यूट एंगल है आपको A की वैल्यू निकालनी है सिंस वी वेरी वेल नो डैट टेन थीटा इज कॉट 90 माइनस थीटा दिस इज दी फॉर्मूला जो आज हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में डिस्कस किया है उसको इसमें इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो हेयर इट इज़ टेन टू तो मैं इस टेन टू को लिख सकता हूँ आपके लिए कॉट 90 माइनस टू जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला

इस 10 को भी मैंने कॉट में बदल लिया और उसका रिजल्ट आ गया 90 माइनस टू ए ना ऑन कंपेयरिंग देयर एंगल्स ऑन कंपेयरिंग वी गेट नाइन्टी माइनस टू ए इज इक्वल टू ए माइनस एटीन ये जो नाइन्टीन माइनस टू ए है वो ए माइनस एटीन के इक्वल है इसलिए नाइन्टी प्लस एटीन इज इक्वल टू ए प्लस टू ए थ्री एक्वल टू वन जीरो एट विच जस्ट मेक अ शिफ्टिंग एयर एंड इन द एंड द वैल्यू ऑफ ए वी ऑप्टेन फ्रॉम आवर क्वेश्चन इज फाइनली थर्टी सिक्स डिग्री विच इज़ एन वन ऑफ दी एक्यूट एंगल तो इस तरह से माई डियर स्टूडेंट वी आर ऑप्टेनिंग द रिजल्ट ऑफ अवर क्वेश्चन नंबर थ्री इन विच यू हैव टू गो फॉर अ कंडीशन कि टेन टू ए कॉट ए माइनस एटीन के इक्वल है कहीं ना कहीं का इनको अगर कंपेयर करना है तो दोनों जगह या तो टेन आना चाहिए या दोनों जगह कोट आना चाहिए तो मुझे ये लग रहा था कि मैं टेन टू ए को कॉड नाइन्टी माइनस थीटा लिख सकता हूँ यानी कि टेन थीटा को कॉट नाइन्टी माइनस थीटा लिख सकते, सकते हैं तो टेन टू ए को मैंने लिख दिया कॉट नाइन्टी माइनस टू ए ऑन द बिहाफ ऑफ दैट इस वजह से जो मेरे पास रिजल्ट आ गया उसमें मेरे पास जो ये कॉट नाइन्टी माइनस टू है वो कॉट ए माइनस एटीन के इक्वल आ गया कंपेयर करा सिंप्लीफाई कर लिया आफ्टर ऑल दैट वी आर गेटिंग द रिजल्ट ऑफ अवर एंगल ए एस थर्टी सिक्स डिग्री नाउ वी आर प्लानिंग फॉर अ क्वेश्चन नंबर फोर इन द क्वेश्चन नंबर फोर इट इज गिवन दैट टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी एंड वी हैव टू प्रूव दैट रिजल्ट ए प्लस बी इक्वल टू नाइनटी बहुत ही सिंपल से और ईजी सा क्वेश्चन है आप लोगों को एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है कि टेन ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉट नाइन्टी माइनस ए दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वैल्यू ऑफ टेन ए देयर फोर एज दिस इज द फॉर्मूला वी नो दैट देयर फोर टेन ए को लिख दिया कॉड नाइन्टी माइनस ए इक्वल टू कॉट बी ऑन कंपेरिंग इट जैसे हमने इसे कंपेयर करा वी गेट कॉट से कॉट मर्ज हो गया नाइन्टी माइनस ए इक्वल टू बी आ गया तो नाइन्टी की वैल्यू आ गई ए प्लस बी हिन्स इन दी एंड वी कैन कंक्लूड दैट ए प्लस बी इज नाइंटी डिग्री हिंस ए प्लस बी इक्वल टू नाइंटी डिग्री तो इस तरह से बेटा वी आर ऑपटेनिंग द आंसर ऑफ नंबर फोर आल्सो इन द क्वेश्चन नंबर थ्री एंड फोर ऑफ अवर एनसीआर यू विल इजीली ऑब्जर्व देयर कि बोथ ऑफ द क्वेश्चन विल यूज्ड अ वेरी सेम बेसिक फॉर्मूला यहाँ पर भी कॉट थीटा को टेन थीटा को कॉट नाइन्टी माइनस थीटा लिखा गया इसे जो ये एल था कॉट नाइन्टी माइनस थीटा हो गया लाइक like इसे फर्स्ट मानो इसे सेकेंड मानो हेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट कि ये जो आंसर है वो इसके इक्वल है कम्पेयर करा वी ऑप्टेन द वैल्यू ऑफ ए विच इज हेयर एस थर्टी सिक्स इन दी पार्ट नंबर फोर्थ टेन ए इक्वल टू कॉर्ट बी था और मुझे ए प्लस बी का सम नाइन्टी वेरीफाई करना था अगेन इट इज़ क्लियर कि आउट ऑफ गिवन टू एंगल हमें किसी एक में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लगा देना तो मैंने टेन ए को कॉर्ट नाइन्टी माइनस ए लिख दिया एज अ रिजल्ट ये जो फर्स्ट और सेकेंड को जब मैंने कंपेयर किया या सीधा कहो कि टेन एक की जगह पर कौन नाइन्टी माइनस ए लिख दिया वेन वी सिम्प्लीफाई एन कम्पेयरिंग इट वी विल ऑप्टेन द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन एज ए प्लस बी इक्वल टू नाइंटी डिग्री नाव बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव ऑफ सेम एक्सरसाइज इन विच वी हैव इफ सेक फोर ए इक्वल टू कॉसेक ए माइनस ट्वेंटी डिग्री वे आर फोर ए इज एन एक्यूट एंगल फाइन द वैल्यू ऑफ ए एंड दिस इज ई वन ऑफ अवर बोड क्वेश्चन ऑल्सो इन अ गिवन क्वेश्चन इट इज़ क्लियर डैट कि जो सेक थीटा है विच मीन्स सेक फोर ए वो कॉसेक ए माइनस ट्वेंटी डिग्री के इक्वल है एज कॉसेक एंड सेक आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर तो वी कैन से दैट वी नो डैट कि जो सेक थीटा होगा इट विल बी रिटर्न एज कॉस नाइन्टी माइनस थीटा ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वी आर सिंपली से सेक फोर ए की जो वैल्यू होगी वो कॉस नाइन्टी माइनस फोर ए होगी तो दिस इज द रिजल्ट दिस इज द आउटपुट वी ऑप्टेन फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन हेयर जो मेरे पास इस तरह से आ गया सेक फोर ए इज इक्वल टू कॉसेक नाइंटी माइनस फोर ए एंड दिस इज वी नीड टू कंसिडर एज फर्स्ट एंड दिस इज वी हैव टू कंसिडर एज सेकेंड तो फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड वी विल ऑप्टेंड हेयर कि जो सेक फोर ए ये दोनों ही इक्वल आ गए इसलिए कॉसेक नाइंटी माइनस फोर का जो रिजल्ट है वो कॉसेक ए माइनस ट्वेंटी के इक्वल है आराम से और ध्यान से रीचेक चेक करेंगे आप मेरे साथ बात को ये सेक है ये कॉसैक है इट इज क्लियर कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो लगेगा ही तभी ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल बनेंगे इसे मैंने सेक थीटा लिया वन ऑफ द सिंपल एंगल एज कंपेयर टू दिस सेक थीटा को लिख दिया कॉस 90 माइनस थीटा कॉसिक 90 माइनस थीटा इसलिए सेक फोर ए बन गया कॉसिक 90 माइनस फोर ए फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर किया एल एच एस मैच कर गए इसलिए आर एच एस इक्वल आ गए अब दोनों तरफ सेम टिक्नोमेटिक रेशियोज आ गई तो हमने लिख दिया ऑन कंपेयरिंग इट वी गेट व्हाट इज योर आंसर फाइनली 90 माइनस फोर ए ए माइनस ट्वेंटी इट इज 110 टेन इक्वल टू फाइव ए द वैल्यू ऑफ ए इज 22 टू डिग्री तो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वी आर ऑबटेनिंग दैट कि जो आंसर ऑफ एंगल ए आएगा वो 22 डिग्री आएगा तो एज अ रिजल्ट बेटा यू कैन ऑब्जर्व यर जो हमने आज तीन क्वेश्चन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से पीछे आगे कर रहे हैं दे आर और बेसिंग ऑन अ सेम कंसेप्ट एंड दिस इज ए अगेन वन ऑफ द सी बी एस ई क्वेश्चन एज वेल तो ऐसे क्वेश्चन का मोटिव एक ही है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं क्योंकि सेक और कॉसैक आर दी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स इट मीन्स आउट ऑफ टू ऑफ दैम किसी एक को बदल दीजिए और दोनों जब सेम हो जाएंगे तो उनके एंगल को एंगल से कंपेयर करिए आपको मिल जाएगी वैल्यू ऑफ ए

एंगल सम प्रॉपर्टी दिस इज द प्रॉपर्टी जिसे हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी इन दिस प्रॉपर्टी वी हैव टू नो दैट ए बी सी का सम वन एट्टी है नाउ दिस इज द रिक्वायरमेंट वी नीड टू वेरीफाई एंड मोर इंपॉर्टेंटली इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बोर्ड क्वेश्चन एंड इन इट वी हैव टू प्रूव दैट सेक बी प्लस सी बाई टू कॉ सेकस ए बाई टू के इक्वल है तो यहाँ पे ये इजली विजिबल है कि मुझे बी प्लस सी बाई टू चाहिए तो इट मीन्स बेटा ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वन एट्टी डिग्री विच मीन्स बी प्लस सी की वैल्यू आ गई वन एट्टी माइनस ए अब क्या करेंगे हम इस दोनों को डिवाइड कर देते हैं डिवाइड बाई टू वी गेट बी प्लस सी बाई टू वन एट्टी माइनस ए बाई टू और इट इज वन एट्टी बाई टू ए बाई टू इसलिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बी प्लस सी बाई टू नाइन्टी माइनस ए बाई टू होगा तो दिस इज द रिजल्ट वी गेट फ्रॉम आवर क्वेश्चन अ वैल्यू ऑफ बी प्लस सी बाई टू इज ऑल्सो बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ नाइन्टी माइनस ए बाई टू तो आप देख सकते हैं इन दी क्वेश्चन नंबर सिक्स विच इज वेरी सिंपल क्वेश्चन राइट नाउ ए बी सी का सम वन एटी है हमें बहुत पहले से पता है ये बात मुझे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बी प्लस सी चाहिए था तो मैंने यहाँ से ए को उधर शिफ्ट कर दिया वी आर नाउ गेटिंग द वैल्यू बी प्लस सी बट वेन वी थिंक वेरी केयरफुली अबाउट इट इट इज बी प्लस सी बाई टू इसे मैंने इस रिजल्ट को टू से डिवाइड कर दिया ऐसा करने से एल एच एस में नो no चेंज और आर एच एस में मैंने इस टू को डिस्ट्रीब्यूट करा एल्सियम ब्रेक कर दिया तो ये मिल गया नाइन्टी माइनस टू है नाउ टेक द एल एच एस विच इज साइन बी प्लस सी बाई टू वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज साइन नाइन्टी माइनस ए बाई टू वाई इट इज साइन नाइन्टी माइनस ए बाई टू क्योंकि हमने देखा बी प्लस ए बाई टू को नाइन्टी माइनस ए बाई टू लिख सकते हैं बट वी वेरी वेल नो डैट साइन नाइन्टी माइनस थीटा इज नुमरिकली इक्वल टू कॉस थीटा अ कॉम्प्लीमेंट्री रिजल्ट ऑफ दिस पार्ट एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दिस इसी वजह से हम ये कह सकते हैं बहुत आराम से अगर ये नाइन्टी माइनस थीटा कॉस्ट थीटा है तो इट विल बी रिटर्न एज कॉस a by 2 which is equal to its rhs hence we verify this answer also so you can observe the question number 6 again in which we have a very basic information ki a b c are the three angles of a triangle the sum of that three angles are always equal to 180 as a result b plus c become here 180 minus a as a supplementary difference of b plus c

इन द टर्म्स ऑफ जीरो टू फोर्टी फाइव मुझे इन्हें जीरो और फोर्टी फाइव के बीच में लेके आना है इट इज़ क्लियर अगर ये सिक्सटी सेवन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ट्वेंटी थ्री डिग्री का होगा ये सेवेंटी फाइव है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फिफ्टीन डिग्री का होगा इट मीनस इन दोनों के अगर कॉम्प्लीमेंट्री रूल्स लगा दिए जाए तो हमारा आंसर अपने आप जीरो और फोर्टी फाइव के बीच में चला जाएगा तो हमने यहाँ पर लिखा सबसे पहले साइन ए का मतलब कॉस नाइन्टी माइनस ए होता है इसलिए साइन 67 डिग्री का मतलब कॉस 90 माइनस सिक्सटी डिग्री होगा विच मीन्स इट इज़ कॉस 23 डिग्री डैट इज़ वाई वी आर इन अ सिंपल पोजिशन टू से डैट साइन 67 बोलो या कॉस 23 बोलो मतलब बिल्कुल एक है इसी तरह से बेटा कॉस ए का मतलब साइन 90 माइनस ए भी होता है इसलिए कॉस 75 डिग्री का मतलब साइन 90 माइनस सेवेंटी डिग्री भी होगा तो कॉस 75 डिग्री का मतलब साइन 15 डिग्री होगा तो दिस इज अनदर बेसिक टर्म यू हैव टू रिमेंबर तो हम लोगों ने नोट किया साइन 65 बेसिकली कॉस 23 है और कॉस 75 बेसिकली साइन 15 है हेंस मेरे को अगर साइन 67 सेवन प्लस कोस ट्वेंटी सेवेंटी फाइव को सिंप्लीफाई करके लिखना है तो दिस ऑल्सो मीन्स साइन 67 का क्या लिख दूँगा कोस ट्वेंटी और कोस 15 का क्या लिख देते हैं साइन 15 आप देख लो मैंने सिंपल सिंपल इन दोनों की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है सो तो मैं क्या कह सकता हूँ हैंस विच इज़ द आंसर दिस टिग्नोमेट्रिक आर द रिजल्ट हैविंग द एंगल्स बिटवीन जीरो एंड फोर्टी फाइव यहाँ तक आ गया ना दैट इज कॉस 23 थ्री प्लस साइन फिफ्टीन विच टिक ऐसा लिख लीजिए देव टेक्नोमेट्रिक रेशोज अबव टेग्नोमेट्रिक रेशोज हैविंग एंगल्स एंगल्स बिटवीन जीरो एंड फोर्टी फाइव ठीक है दिस इंडिकेट डेट की जो रिजल्ट हमने यहाँ निकाला ये जो रिजल्ट आ गया ये अबव टिक्गनोमैटिक रेशोज जो आ गई वो जीरो से फोर्टी फाइव के बीच में आ गई तो व्हाट इज अवर प्लानिंग द प्लानिंग इज वेरी क्लियर कि इन दोनों ही टिग्नोमेटिक रेशियो को कंसीडर किया गया दोनों ही जीरो से 45 के बीच में नहीं थी पहले में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर निकाला गया कोर्स 23 आ गया दूसरे में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर निकाला गया साइन 15 आ गया हेंस इन दोनों के सम को मैंने लिख दिया कोर्स 23 थ्री प्लस साइन फिफ्टीन अबव टिग्नोमेटिक रेशियो ने मुझे क्या करा अबव टिग्नोमेटिक रेशियो हैविंग एंगल्स बिटवीन जीरो टू फोर्टी फाइव विच इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अवर क्वेश्चन ऑन द बिहाफ ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा हमारी वो एक्सरसाइज एट पॉइंट थ्री कंप्लीट होती है बट मैंने आपके सामने एक सिंपल सा एग्जाम्पल रख दिया है विच इज वन ऑफ द टू थाउजेंड टेन बोड क्वेश्चन ऑल्सो एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेक्चर्स टूडे तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था दैट इज वाई मैंने सिर्फ कॉपी किया है और यहाँ लिखा है टेन वन टू डिग्री टेन थ्री डिग्री इज रनिंग अपन एटी नाइन डिग्री

तो इस तरह से दीज आर दी लिस्ट ऑफ़ द टिक्नोमेटिक रेशियोज फ्रॉम डिग्री वन टू तो फ्रॉम डिग्री एट्टी नाइन एंड दे ऑल आर इन अ मल्टीपल फॉर्म एंड वी नीड टू रिजोल्व इट नाउ द लॉजिक इज डाइट की हाउ वी सिंपलीफाई दिस तो इसके लिए दो बातें आपको याद रखनी है ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले पेरिंग को बिलीव करेंगे और पेरिंग करेंगे अपने पास ग्रुपिंग करेंगे अपने पास उन सभी एंगल्स की जिनका सम 90 डिग्री है तो मैंने 1 और 89 को एक साथ ले लिया टू का कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा 88, उसे एक साथ ले लिया थ्री का कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा 87, उसको एक साथ ले लिया और ये बेटा ऐसे ही पेरिंग चलती चली जाएगी बस बीच में एक एंगल बचेगा 1045। फोर्टी फाइव वाई बेटा टेन फोर्टी फाइव इज ऑनली देयर क्योंकि 1045 से पहले जो पेरिंग का मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा 1044 फोर्टी फोर टेन फोर्टी सिक्स तो ये सब के सब ऐसे मर्ज हो जाएंगे एक फोर्टी फाइव से पीछे वाला फर्स्ट और एट्टी नाइन बीच में टेन फोर्टी फाइव है कहीं पे जो किसी भी टेबल का पार्ट नहीं बनेगा क्योंकि ये ऑड पेयर्स है ऑड नंबर्स होने की वजह से वन से लेके 89 नाइन ऑर्ड नंबर्स और मुझे पेयरिंग में दो नंबर लेने हैं तो फर्स्ट और लास्ट मर्ज होगा सेकेंड और सेकेंड लास्ट मर्ज होगा थर्ड और थर्ड लास्ट मर्ज होगा ऐसे जस्ट बिफोर 45 और जस्ट आफ्टर 45 वाला मर्ज होगा और इस तरह से मेरे पास ये रिजल्ट आएगा और टेन फोर्टी एज इट इज ही रह जाएगा ना वी नो डैट कि जो टेन uh, थीटा होता है टेन ए जो होता है वो कोड नाइन्टी माइनस ए होता है इसी वजह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये टेन एट्टी नाइन है दिस इज़ कोड नाइन्टी माइनस एट्टी नाइन इन शॉर्ट आप कह दो दिस इज कोड वन ही अगर मैं टेन एट्टी एट की बात करूँगा तो वो आ जाएगा कोड नाइन्टी नाइन माइनस एट्टी एट विच इंडिकेट कोड टू तो इस तरह से कंटिन्यू होते होते जो ये टेन फोर्टी सिक्स है वो आ जाएगा कोड नाइन्टी माइनस फोर्टी सिक्स और जिससे मेरे पास आंसर आ जाएगा कोड फोर्टी फोर तो वन बाय वन वी हैव टू सिम्प्लीफाई अवर होल टर्म्स टू अपटेन द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन तो आपने नोट किया होगा दिस इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ अवर लिस्ट जिसमें हम लोगों को कुछ ना कुछ डिफरेंट सीखने को मिल रहा है और मैंने आपके सामने रेशो रस रखी है दोबारा एक बार सब चीज़ें रीचेक कर लेते हैं कि यहाँ पे टेन वन टेन टू टेन थ्री अप टू टेन एट्टी नाइन है अब मैंने यहाँ पे क्या किया ये 89 नाइन नंबर है वन को 89 से मर्ज करा क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है टू को 88 से मर्ज करा क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री है थ्री को 87 से मर्ज किया वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है 45 से पहले 44 और 45 के बाद 46 इन दोनों का सम भी 90 आ रहा है वो भी कॉम्प्लीमेंट्री है बिकॉज ऑफ दैट वी मेक द पेरिंग हेयर एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग दैट पेरिंग उन सबके एक, एक एक एंगल को उसके कॉम्प्लीमेंट्री रिजल्ट से चेंज कर दिया है so now we can say that we can observe that it is 10 1 code 1 then it is 10 to code 2 okay, we can simply replace 89 with 10 1 88 with 10 2 and similarly beta 10 3 is replaced with code 3 and this will run in a very same manner up to 1044 with code 44 एंड इन देंड वी आर जस्ट लेव विद दर्म नेम एज टेन फोर्टी फाइव डिग्री तो एज अ रिजल्ट एट होल कॉम्प्लीकेटेड क्वेश्चन जो देखने में कॉम्प्लिकेटेड था विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल मॉडिफिकेशंस इतना सब कुछ आ गया है ना इट इज़ ऑल्सो कन्फर्म दैट कॉट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा दिस इज द रिजल्ट आर रिलेशन बिटवीन टेन एंड कॉर्ट जो अर्लियर भी डिस्कस हुआ आपके साथ नंबर ऑफ टाइम एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दैट इट इज़ राइट नाउ टेन वन इंटू वन अपॉइंट टेन वन ऐसे सेकेंड में टेन टू इंटू वन पॉइंट टेन टू थर्ड वन में टेन थ्री इंटू वन पॉइंट टेन थ्री एंड दिस इज रनिंग क्वाइटली सेम फॉर द लास्ट पेयर ऑल्सो टेन फोर्टी फोर इंटू वन अपॉइंट टेन फोर्टी फोर एंड हेयर इट इज ओनली वन इट इज वन इट इज़ क्वाइट क्लियर विद द हेल्प ऑफ टिग्नोमैटिक रेशियो टेबल जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टेन फोर्टी फाइव डिग्री की तो वैल्यू वन होती है एज अ रिजल्ट ये सब एक दूसरे से न्यूमेरिकली कैंसिल आउट होते चले गए एंड वी आर ऑप्टेनिंग वन 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 अप टू फोर्टी फाइव टाइम्स बट इट्स हार्डली मैटर वन कितनी बार भी आ जाए अगर मल्टीप्लाई में है तो उसका आंसर हमेशा वन रहेगा सो वी आर ऑप्टेनिंग वैल्यू ऑफ गिवन एग्जाम्पल नंबर वन एज ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वन हेयर वर यू हैव टू पॉइंट आउट केयरफुली कि ये वन से लेकर एटी नाइन नंबर्स है मुझे एट्टी नाइन नंबर्स को वन बाई वन लिखना नहीं है क्योंकि बहुत टफ हो जाएगा मैंने शुरू के तीन लिखे लास्ट के तीन लिखे और बीच में एक नंबर था टेंथ फोर्टी फाइव जो किसी भी पेयर का पार्ट नहीं बन रहा था वन एट्टी नाइन को वन एट्टी एट को थ्री एट्टी सेवन को और 44, 46 की पेयरिंग करी इन बिटवीन दैट दैट डैश डाल दिया जस्ट टू गेट दैट पैटर्न फिर वन बाय वन वी चेंज ऑल दैट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इन द टर्म्स ऑफ कॉर्ट एंड सब्सिट्यूटिंग द वैल्यूज फ्रॉम द क्वेश्चन एज टेन टू टेन टू टैन थ्री टेन फोर टेन फोर्टी फोर एंड सो वन टैन वन टैन कोर्ट वन टैन टू कोर्ट टू टेन थ्री कोर्ट थ्री एंड सो वन देन बेटा वी ऑल्सो नो डाउटली कोर्ट एंड टेन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर दैट इज टेन वन बिकम कोर्ट दिस वन कॉट वन बिकम वन अपॉइंट टेन वन कॉट टू बिकम वन अपॉइंट कॉट थ्री बिकम वन अपॉइंट टेन थ्री एंड कॉट फोर्टी फोर बिकम वन अपॉइंट टेन फोर्टी फोर वेन यू मेक अ सिम्प्लीफिकेशन एंड एडजस्टमेंट वी आर ऑबटेनिंग दैट द रिजल्ट ऑफ अवर एग्जाम्पल नंबर वन इज वन सो बेटा आई एम एंडिंग दिस लेक्चर एर आज हम लोगों ने इस पर्टिकुलर लेक्चर में एट पॉइंट थ्री एक्सरसाइज कंप्लीट करी विच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन अ कंसेप्ट ऑफ टिक्नोमेटिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उम्मीद है आपको बहुत ईजिली लगा क्लियर हो गया होगा सब कुछ क्योंकि बहुत ही ईजी था ये पूरा का पूरा टॉपिक